इतना भी है यार। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, HTML, क्लास क्लास 7, ऐड, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम इमेज टैग को यूज करेंगे, ये आ गया हमारा इमेज टैग। यहाँ पे हमने इमेज, उसके बाद लिया सोर्स। आप ध्यान से देखना, इमेज का मैंने इससे पहले भी पूछा था तो वो गलत किया था। तो यहाँ पे हमारा हो गया इमेज, यहाँ पे ये हो गया हमारा सोर्स। उसके बाद है हमारा, यहाँ पे सोर्स डालेंगे जो भी हमारा इमेज का सोर्स है। तो यहाँ पे हमने किया इमेज सोर्स, ये ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारा। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमारी इमेज शो नहीं होती है तो हमारा क्या आता है, जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट हम देते हैं वो आता है। तो यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया इमेज नॉट डिस्प्लेड, इसकी विड्थ हमने 500 ली हुई है और हाइट हमारी 333 है। तो बस अब हम इसको यूज करते हैं, वो इन ब्राउजर, यस, ये आ गई हमारे पास इमेज। अब अभी हम इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरे पेज पर नहीं जा रहे हैं। अब हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या किया हमने, इमेज एज अ लिंक। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, इमेज एज अ लिंक, हम इमेज को किस में डाल देंगे, ए टैग के अंदर डाल देंगे। तो हमारा जो ए क्या होता है, हमारा जो एंकर टैग होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए टैग के अंदर हम यूज कर लेंगे इमेज टैग को अपने। तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, तो ये वाली जो हमारी इमेज होगी वो क्लिक होगी, और क्लिक होने पे हमारा जो है कुछ परफॉर्म होगा, हम किसी और दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक इमेज ऐसे ले लेते हैं, दूसरी इमेज हमने ये ले ली, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं ताकि हमें दिखा सही से वो हो जाए। 50 ले लेती हूँ इसको, इसको भी क्या वैसे 3 हटा देती हूँ। तो ये हमने सेव किया इसको, मान लिया कि हमें जो हमारा जो रेफरेंस है उसको हम दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया कि हम इसके बाद इस पे जाना चाहते हैं HTML क्लास 2 पे, तो हमने यहाँ पे HTML क्लास 2 दे दिया। और इस इमेज का जो भी सोर्स है हम वहां यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने इमेज ले लिया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ये आ गया हमारा। ये हमारी पहली इमेज थी जिसको क्लिक करने पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, और ये वाली अगर हमने इमेज पे क्लिक किया तो हमारा क्या हुआ, ये पेज ओपन हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये क्लियर हुआ, उसके बाद आगे हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद है हमारा इमेज मैप, ये इम्पोर्टेंट है।
एक और कर लेते हैं हम इमेज फ्लॉटिंग। इमेज फ्लॉटिंग में क्या होता है कि अगर हमें इमेज को लेफ्ट साइड में फ्लॉट करना है या राइट साइड में फ्लॉट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इमेज फ्लॉटिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर फ्लॉट ले लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम दोबारा से वही इमेज ले लेते हैं या कोई और इमेज लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया इमेज और यहाँ पे हमारा आ गया, ये वाली इमेज चूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इमेज आ गई। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में, स्टाइल में हमारा क्या है, फ्लॉट राइट। अब यहाँ पे फ्लॉट राइट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इमेज आएगी वो हमारी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा से हम ये हमने दोबारा से किया, तो ये हमारी जो इमेज है ये है हमारी जो राइट साइड पे हमारी इमेज बनी हुई है। तो इसके ऊपर भी हमने यही कर रखा था, तो इसलिए हम हमारा इस पे ये चला गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमें इसी को ही फ्लॉट लेफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम हमारा जो फ्लॉट राइट है इसकी जगह पे हम लिख देंगे फ्लॉट लेफ्ट। ये आ गया हमारा फ्लॉट लेफ्ट। सेव करते हैं इसको, दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है अब ये किस साइड डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे ये इमेज है, तो ये हमारी अब लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रही है। तो फ्लॉट लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ये क्या है, इमेज मैप। तो इमेज मैप में हमारा क्या होगा, HTML इमेज मैप में इमेज मैप्स क्या होते हैं, हमारा द मैप टैग डिफाइन एन इमेज मैप, एन इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरिया। जैसे अभी हम पूरी इमेज पर क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे इमेज मैप में क्या होगा कि हमें जो एक इमेज है उस पूरी इमेज का थोड़ा सा वर्शन मिलेगा। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा हम मतलब उसको क्लिक करके हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लिक ऑन द कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे हमारी जो है एक इमेज दे रखी है, ये इमेज है मान लिया। अगर हम इस पे लैपटॉप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। मतलब ये हमने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया है, एरियाज में अलग अलग मैप दे दिया है इसको। तो या ये जो है ये एरिया हमारा डिफरेंट है, अगर हम ये वाला एरिया लेंगे तो ये भी हमारा डिफरेंट एरिया है, और ये जो है हमारा ये भी एक डिफरेंट एरिया है। तो बस इसको करते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, तो हम इसको रेक्टेंगल में डिफाइन करेंगे। ये भी हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा सर्कल है, तो इन सबको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो बस सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, H2 इमेज मैप, यहाँ पे पी टैग लिया हमने और इमेज सोर्स में हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस हमने पहले से ही ले रखा था इसके अंदर, इसलिए इसने कुछ इश्यू नहीं क्रिएट किया। उसके बाद मैप, मैप में हम क्या कर रहे हैं, नेम क्या डाल रहे हैं इसका, वर्क मैप। ठीक है, इसका जो मैप है इसका नाम हमने डाला वर्क मैप। और यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया में क्या है, ये शेप, शेप कैसा है हमारा, पहला जो है वो हमारा रेक्टेंगल ले रहे हैं हम, जो हम वो बड़ा वाला कंप्यूटर का ले रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 34 44, मतलब ये इस इमेज में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, चार कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, तो इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया हमने कुछ अलग अलग ले लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। मान लिया हमने इस पे ये डाल दिया,
इसमें हमने ये वाला डाल दिया, ये हमारा हो गया। कंट्रोल एस करते हैं और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये हमने किया इसको रन, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कप्लेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? अच्छा एक मिनट, इसको इसका पाथ दिया नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत है। तो यहाँ पे हम पिक यू आर एल करेंगे, इमेज पे जाएंगे, हमने ये इमेज ले ली, यहाँ पे ओके कर दिया, कंट्रोल एस। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया तो ये हमारा जो है ये एक अलग एरिया हो गया। ये रेक्टेंगल एरिया ये है, एक रेक्टेंगल ये एरिया ये है, और ये सर्कुलर एरिया। अगर मैंने सर्कुलर एरिया पे किया तो हम किस पे पहुंचे? HTML क्लास 5 पे, क्योंकि हमने उसके अंदर यही डाला हुआ था। अगर हमने हम बैक जाते हैं, अगर हमने इस पे क्लिक किया तो हम यहाँ से HTML क्लास 5 पे ही गए, और अगर हमने यहाँ से इस पे क्लिक किया तो हम HTML क्लास 6 पे पहुँच गए। तो ये हमारी HTML क्लास 6 है। तो मतलब हमने तीनों जगह अलग अलग क्लिक किया तो हमारा और जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या आया? डिफरेंट डिफरेंट आया। सो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। तो इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहला वाला हमारा क्या है, रेक्टेंगल था क्योंकि वो कंप्यूटर था, सेकंड वाला भी रेक्टेंगल था क्योंकि वो एक मोबाइल की शेप में था, और तीसरा वाला क्या था, एक सर्कल था, उसमें हमारी क्या थी, कप प्लेट विद कॉफी। तो ये हमारा इमेज मैप। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, मैप में हम एरिया ले लेंगे, शेप ले लेंगे, और ये हमारा मैप क्लियर होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।